हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। तबीयत कैसी है आप सबकी? ठीक है। अब व्यू आपको दिखा रहा हूँ, मेरी बैक साइड का। ये ऑसम है, इतना प्यारा व्यू है यहाँ का कि मैं आपको बता नहीं सकता। वेदर इतना प्यारा हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पर एक आबशार भी बह रही है, बिल्कुल छोटी सी आबशार है जो कि बहुत ठंडे पानी की है। हमने पानी पिया है अभी और यहाँ खड़े होकर हम लोग इस नज़ारे को इंजॉय कर रहे हैं। आप ये व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है। तो आप लोग दोस्तों लाजमी 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 जनता गली घूमने आए थे, वहाँ से कालाबाग से सजी कोट की तरफ लाजमी चाहिएगा। यहाँ का जो रास्ता है बहुत प्यारा है, दो आबशारे हैं, इंशाल्लाह वो भी आगे आएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तक का जो आपने व्यू देखा है उस पर कमेंट मुझे लाजमी कीजिएगा कि आपको यहाँ तक का व्यू कैसा लगा है और आगे का व्यू इंशाल्लाह आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप देख सकते हैं जब कालाबाग से होते हुए आप सजीकोट आबशार की तरफ जाएंगे तो रास्ते में काफ़ी गाँव पड़ते हैं, काफ़ी हरियाली है और यहाँ पर आपको शॉपिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी चीज़ें दस्तयाब है। अगर आपने नाश्ता नहीं किया हुआ, लंच नहीं किया हुआ, डिनर नहीं किया हुआ तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे और सस्ते और म्यारी खाने मिल सकते हैं जहाँ से आप लुत्फ़अंदोज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर कितने प्यारे बने हुए हैं, कितना प्यारा माहौल है यहाँ का। सामने रोड है, रोड के सामने पहाड़ है, पहाड़ों पर दरख्त है, दरख्त पर हरियाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने खुशगवार होंगे, इनका एनवायरनमेंट कितना प्यारा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा रोड है और एक साइड पर घर है और एक साइड पर पहाड़ है। लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं और अपने घरों की तामीर को भी मुकम्मल कर रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप वीडियो को स्कैप कर देंगे, वीडियो को हटा देंगे, तो ऐसा करने का सोचना भी मत, क्योंकि आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपने कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, ये मेरा दावा है। एक दफ़ा वीडियो में हमारे साथ रहें और इन्जॉय करें इस जर्नी को, इस रास्ते को देखें, इन पहाड़ों को देखें और इस वीडियो के एंड में जो आपको दिखाने वाला हूँ उसका आपने सोचा नहीं होगा। तो अनकरीब आपको सब नज़ारे दिखाएँगे। आपने सिर्फ वीडियो में हमारे साथ रहना है और इस जर्नी को हमारे साथ इन्जॉय करना है। दोस्तों, अगर आपकी प्लानिंग है इन इलाकों में जाने की और सजीकोट और अम्ब्रेला वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने की, तो अभी प्लान बना ले। दिसंबर में भी आप जा सकते हैं, मगर दिसंबर में जाएंगे तो आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी कि नथिया गली और मरी वाला जो रोड है वो बंद मिलेगा आपको। तो यहाँ जाने के लिए एक और रास्ता भी है और वो रास्ता बहुत प्यारा है। आप एबटाबाद इस्लामाबाद से होते हुए एबटाबाद हरीपुर हवेलिया जाते हुए वहाँ से आप सजीकोट आबशार पर आसानी पहुँच सकते हैं और आपको ये डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा। अगर आप मरी घूमने आए हुए हैं तो मरी से आपको करीब पड़ेगा अगर आप मरी नहीं जाना चाहते, और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं इस आबशार पर तो यहाँ जाने का सबसे आसान रास्ता जो है वो आपको पड़ता है इस्लामाबाद से होते हुए एबटाबाद जाते हुए। रास्ते में हरीपुर आता है, हरीपुर से हवेलिया, हवेलिया से अंदर सजीकोट आपके बहुत करीब पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दूर पहाड़ों के ऊपर से भी इस आबशार का नज़ारा हो रहा है। बहुत ही जल्द हम इंशाल्लाह इस आबशार पर पहुँच जाएंगे। तो जी दोस्तों, वीडियो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि वो वक्त बहुत करीब है जब आपको दिखाएंगे एक बहुत ही प्यारा एडवेंचर। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ों पर दरख्त हैं और हरियाली है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, एक तरफ रोड है और नीचे खाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू जो है वो कितना प्यारा है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और लाइफ में एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपको रुख करना पड़ेगा पहाड़ों का, क्योंकि असल एडवेंचर जो है वो मिलता ही आपको पहाड़ों पर है। तो जी दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सजीकोट इलाके का नाम है जिसके नाम पर यहाँ पर आबशार का नाम रखा गया है, सजीकोट आबशार। आप देख सकते हैं कि एरिया कितना प्यारा है, यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं। अगर आप आबशार पर जा रहे हैं तो आपको एडवाइस है कि यहाँ पर रुक कर यहाँ से कुछ ख़रीदारी कर लीजिएगा, क्योंकि आबशार पर आपको कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं मिलती है। तो फाइनली देख सकते हैं आप, जैसे ही आप मार्केट से बाज़ार से बाहर निकलते हैं तो आपको फिर से बहुत सारे पहाड़ नज़र आते हैं और उन पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बादल बहुत प्यारे हैं, हल्की हल्की धूप है, मगर मौसम यहाँ का नवंबर का महीना है तो बहुत ज़्यादा ठंडा है।
तो लीजिए फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं हिसाबशहर पर। ये सामने आपके बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करने में वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बहुत प्यारा व्यू दिखाने वाले हैं हम। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत दूर पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं हम लोग और वहाँ से इसका कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। और चलते हैं नीचे की जानिब और यहाँ से भी आपको व्यू दिखाते हैं, यहाँ से भी आप व्यू चेक कर सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और यहाँ से भी इसका व्यू बहुत प्यारा है। 25% हमारा डिस्टेंस रह गया, आप देख सकते हैं कि व्यू कितना प्यारा है। हम बिल्कुल नीचे पहुँच चुके हैं, पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ और आपके सामने एक आबशार है जिसका शोर बहुत प्यारा है, जिसकी आवाज़ आपके कानों को बहुत महसूर करती है। लोग पहुंच चुके हैं सजीकोट वाटरफॉल पर, जब मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं बहुत प्यारा वेदर हो रहा है यहाँ का, हल्का हल्का सा सूरज की धूप आ रही है, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ का। पानी की बात करें तो पानी यहाँ का बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो हम पानी में मौजूद हैं और पानी इतना ठंडा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो हमारी जर्नी थी वो आपके सामने थी, कितना प्यारा व्यू था रस्ते का भी, और यहाँ पहुँचने के बाद रस्ते की जो थकावट थी हमारी वो भी कम्प्लीटली तौर पर खत्म हो चुकी है। यहाँ का लोग विजिट कर रहे हैं, इसके बाद आपको लेके जाएंगे सेकेंड वाटरफॉल पर जो के है अम्ब्रेला वाटरफॉल। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम अम्ब्रेला वाटरफॉल कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ो निगेबान।